subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. फ्रेंड्स, मैं 4-5 दिन से काफी परेशान हूँ। मुझे फीवर आ रहा है, 99 रहता है या 100 तक पहुँच जाता है। अगर मैं दवा खा लेती हूँ तो उतर जाता है, लेकिन जब बुखार उतर नहीं रहा था तो फिर मैं कोविड चेक कराने गई तो मैं कोविड पॉजिटिव निकली हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमारे घर में काम वाले लगे हुए थे, रोटी वाली भी थी, बर्तन झाड़ू पोछे बर्तन वाली भी थी, लेकिन जब से उनको पता लगा कि मेरे को कोरोना है तो वो भी चली गई, और जाना भी चाहिए क्योंकि उनको कुछ नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं अब काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही हूँ, ना डल पा रही हूँ। तो अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो ज़रूर बनाऊंगी और उस वीडियो डालूंगी भी। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ CMO ऑफिस से टीम आई थी कि साधना पॉजिटिव है, तो हमारे यहाँ सबका सैंपल लेके गई है, अगल बगल वाले घरों का भी लेके गई है। बगल में तो हमारे यहाँ पॉजिटिव थे लेकिन उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि हम तो सबको बता दें कि भैया हमारे घर से दूर रहो। मैंने तो अपनी दौरानी को भी बता दिया कि भाई बगल में ही रहती है, कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने उससे रात में बात की थी, हमारी छत मिली हुई है वहीं से बात की थी, लेकिन दूरी थी। उन लोगों का भी लेके गई है सैंपल, अब देखते हैं जब आएगा रिजल्ट कौन कितना कोरोना से पीड़ित है नहीं है। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तो खाने पीने की दिक्कत हो गई है क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी आई हुई है, वो प्रेगनेंट है, और दामाद जी भी आए हुए हैं, उनको भी फीवर आ रहा है, उतर रहा है, उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है, अब देखते हैं उनका भी क्या रहेगा। आज मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अभी अभी बस वो मेरे पास से दवाई लेके गए हैं और खाते, मैंने कहा आप सो जाइएगा, लेकिन क्या करें बेचारे, वो पतले दुबले हैं, सारी गाज उन्हीं के ऊपर आकर गिर गई है, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है काफ़ी बुजुर्ग हैं, 84 ईयर्स के हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो खाना पीना भी बेचारे वही बना रहे हैं, झाड़ू भी वही लगा रहे हैं, बर्तन भी उन्होंने मांजे हैं। बेटी सुबह का नाश्ता बना लेती है, ज़्यादा काम वो भी नहीं कर पाती क्योंकि उसकी भी दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि भैया सब लोग मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इस ठंडे को ज़रूर अपनाइएगा, और ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजर से हाथ धोइएगा, घर में हो तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहिएगा, जिससे कि वही कोरोना पॉजिटिव ना हो पाओ, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत चरम सीमा पर है, वो पता नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ से लग गया, लेकिन जब बुखार आ रहा था और उतर नहीं रहा था तब मेरे समझ में आया कि मैं थर्मामीटर लेकर बुखार चेक करूँ, तो चेक किया तो उसमें 101 बुखार आया, उसके बाद से फिर 99 हो रहा है, और अभी जाने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मैं नीचे कमरे में सब लोगों ने मुझे अलग डाल दिया है क्योंकि इस टाइम मैं ही पॉजिटिव हूँ। ये देखिए, ये है, मैं अकेली हूँ इस कमरे में, बिल्कुल हमारा ये सर्वेंट रूम है। तो कोई नहीं, आराम से टाइम काट रही हूँ, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब बुखार चढ़ता है तो सिर वगैरह में दर्द होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ये फंडा ज़रूर अपनाइएगा जीवन में, क्योंकि इसी के साथ जीना फायदेमंद है। चलिए फ्रेंड्स, अब अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। राधे राधे।